बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ET263 के इस हफ्ते के एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक हमारा है अबाउट डायोड एज अ स्विच, हाउ डायोड वर्क्स एज अ स्विच। सिंपली बहुत ब्रीफली हमने डायोड के बारे में पढ़ा है। मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया है, वैसे बहुत ईजी बात है, लेकिन समझाने के लिए कि आपको पता है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो सूरत में ये किस तरह बिहेव करेगा, एज अ ऑन स्विच बिहेव करता है, यानी करंट गुजरने देता है। जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो ये ऑफ स्टेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ओपन स्विच। व्हेन स्विच इज़ ओपन नो करंट विल मूव थ्रू दैट। तो सर्किट एक बनाया मैंने सिंपल सा, इसकी वर्किंग समझाता हूँ और शॉर्ट सा एक लेक्चर। देखिए, ये आपका पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल और ये नेगेटिव हाफ वेव साइकिल है। जब ये पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल यानी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव 180 डिग्री साइकिल आता है तो थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी कोर्स नहीं बनाई थी, थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पोल के ऊपर, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। ये डायोड का एनोड है और ये कैथोड है। ऑटोमेटिकली करंट विल पास थ्रू दिस। इन दिस कंडीशन व्हेन एनोड इज विद द पॉजिटिव साइकिल और कैथोड ये नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो इस सूरत में क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा लूप मुकम्मल होगा और ये लैंप जो है ये ऑन हो जाएगा। इस सूरत में डायोड बेसिकली एक क्लोज स्विच के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी ऑन स्टेट है। व्हेन नेगेटिव हाफ वेव साइकिल अराइजेस तो इस पोल के ऊपर करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और जहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव एनोड के साथ और कैथोड के साथ ये पॉजिटिव साइकिल, इस सूरत में जो करंट है वो पास थ्रू डायोड का आपको पता है नहीं होती, लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में बताया था, और इसको रिवर्स बायस कहेंगे। इस सूरत में जब करंट पास नहीं होगी तो ये ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा और ऑफ स्टेट कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ अ डायोड बिहेव्स लाइक अ स्विच इन द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आई एम होपफुल दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, समझ ना आया हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन गूगल क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।